वेलकम बैक एवरीवन। आई एम सॉरी, आई वॉज कॉट अप विथ सम वर्क, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, अपलोड नहीं कर पाया। सो टुडे आई एम बैक विथ दी कॉलिंग मास्टर नोट्स। सम वन इन दी कमेंट्स आस्क्ड मी टू पुट दी नोट्स ऑन कॉलिंग अ मास्टर। तो कंडीशन क्या क्या होगी जब हम मास्टर को बुलाएंगे? तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि सरकमस्टेंसेस अंडर विच द मास्टर शुड बी कॉल्ड। ओके, सरकमस्टेंसेज अंडर विच द मास्टर शुड बी कॉल्ड। ऐसी कौन कौन से सरकमस्टेंसेज है जिसके अंडर में मास्टर को हम बुला सकते हैं ब्रिज पे? तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। द प्री प्लानिंग रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर ऑन द ब्रिज। ऑफ कोर्स, जब भी आप पैसेज प्लान करोगे या प्री प्लान करते हो, प्री प्लान इज मोस्टली द पैसेज प्लानिंग। तो जब भी आप प्लान करोगे तो उसमें आपका सेकंड ऑफिसर और मास्टर हमेशा रहते हैं, वही दो प्लान करते हैं। ओके, सो प्री प्लानिंग रिक्वायर्स दी मास्टर। जब भी प्री प्लान करोगे, मास्टर शुड बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द मास्टर स्टैंडिंग और नाइट ऑर्डर्स हैव रिक्वायर्ड हिम टू बी कॉल्ड अंडर द डेवलपमेंट सर्कमस्टेंसेस। आपके जो ऑर्डर्स रहेंगे, ऑर्डर्स के अंदर अगर मास्टर का स्टैंडिंग ऑर्डर है आपके वॉच के दौरान या फिर नाइट ऑर्डर्स है, तो आपको मास्टर को बुलाना पड़ता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। दिस आर द बेसिक पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट देन टू लेट्स सी वन बाय वन। द ओडब्ल्यू हैज रियलाइज दैट द सिचुएशन नीड्स द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द मास्टर। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप ओडब्ल्यू हो, सपोज यू आर एन ओडब्ल्यू, ओके, ऑफिसर ऑफ द वॉच। तो आपको अगर रियलाइज़ होता है कि ये सिचुएशन मैं हैंडल नहीं कर सकता, लाइक कि आगे आपका कोलिजन का चांसेस बन रहा है, और आपको फील होता है कि एक्सपीरियंस काम आएगा इधर, क्योंकि अगर आप सपोज़ यू आर एन स्टैंड ऑन वेसल, और गिव ए वेसल अगर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो उसका रिक्वायर्ड एक्शंस नहीं ले रहा है, देन यू हैव टू कॉल द मास्टर, क्योंकि उधर पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पर्टिकुलर सेफ डिस्टेंस में, सेफ स्पीड में आप अपनी वेसल को कैसे सेफली नेविगेट करते हो, दैट रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल। इफ रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी इज एनकाउंटर्ड और एक्सपेक्टेड, इन केस इफ विजिबिलिटी डिटोरेट्स ड्यू टू एनी रीजन बिलो 3 नॉटिकल माइल्स, दिस इज एनी। ओके, नॉट एंड, दिस इज एनी। सो इफ द रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी इज एनकाउंटर और एक्सपेक्टेड, नॉर्मल रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी इज सेट टू बी एज 5 नॉटिकल माइल्स। ओके, सो 5 नॉटिकल माइल्स इज अ कॉमन वन, बट इफ द रेस्ट्रिक्शन गोज टू 3 नॉटिकल माइल्स, तो आपको कैप्टन को बताना पड़ता है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कॉल चीफ ऑफिसर ऑन बोर्ड, चीफ ऑफिसर ऑन ब्रिज, बट अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस यू शुड इन्फॉर्म मास्टर एंड कॉल हिम ऑन द ब्रिज। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट एज वेल। ऑन एनकाउंटरिंग हैवी ट्रैफिक, स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेसल्स एंगेज्ड इन फिशिंग। ओके, सो जहाँ पे फिशिंग वेसल्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब जहाँ पे बहुत सारी फिशिंग वेसल्स फिशिंग कर रही होगी, इंगेज होगी इन फिशिंग, तो वहाँ पे आप नॉर्मली फाइंड करते हो कि उधर ट्रैफिक होता है, क्योंकि उधर वो पास पास में रहती है, आपको उधर से नेविगेट करना पड़ता है, बहुत टाइम आपका अंडर कील क्लियरेंस नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके उधर से पैसेज के लिए, तो उधर से पास करने के लिए हमें मास्टर को बुलाना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है मास्टर को कि फिशिंग वेसल्स आर इंगेज्ड इन फिशिंग एंड वी हैव टू नेविगेट थ्रू देम, इट्स एनकाउंटर्ड एन हैवी ट्रैफिक, सो कैन यू प्लीज कम एंड नेविगेट थ्रू देम, ऐसा एक रिक्वेस्ट करना पड़ता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड इन मेंटेनिंग कोर्स, ओके, तो इफ डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड इन मेंटेनिंग द कोर्स, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, जैसे ये आपका कोर्स है, आई विल राइट जस्ट सी ओ। ओके, और आपका अचानक से करंट ऐसा आने लगा और विंड ऐसा आने लगा, तो जनरल सी बात है कि आपका जो ये है, शिप है,
वो इस तरफ ड्रैग होते जाएगा और इस तरफ थोड़ा बहुत टर्न होगा, थोड़ा सा टर्न होगा। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, आप कोर्स मेंटेन नहीं कर पाते। और ये ऐसे टाइम पे ज़्यादा नहीं होता, जब करंट ऐसा आ रहा हो और विंड ऐसा आ रहा हो, तब आपको पता चलता है कि आपका कोर्स आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो ये थोड़ा ऐसा टेक्निकल टाइप है कि आप कोर्स नहीं कर पा रहे। और दूसरा एक रीज़न होता है कि रडर आपका बराबर ऑपरेट नहीं कर रहा है। रेडार की बात नहीं कर रहा हूँ, रडर की बात कर रहा हूँ। शिप के स्टर्न में रहता है रडर, ये ऐसा रडर रहेगा। ओके, लाइक दिस में मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रडर। ओके, दिस इज अ रडर, RUDDER। तो ये रडर है, अगर ये वर्क नहीं कर रहा है, वैसे ये होता नहीं है ऐसा कभी कि वो हेल्म और रडर अलाइन ना हो, बट अगर थोड़ा इशू हो जाए उसमें तो उसकी वजह से भी होता है। सो दैट्स ऑल पॉसिबिलिटीज़। ओके, होता नहीं है वैसे, वो इंजन रूम वाले, इंजन क्रू बरोबर ध्यान रखती है उसकी। सो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ट्रैफिक कंडीशंस और द मूवमेंट ऑफ द अदर शिप्स आर कॉजिंग कंसर्न, स्पेशली इज अ गिव वे वेसल इज नॉट टेकिंग अवॉइडिंग एक्शन एज रिक्वायर्ड बाय द कोल राइट्स। ओके, सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि गिव वे वेसल और स्टैंड ऑन वेसल में बहुत 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 इन लोगों को डाउट्स रहते हैं, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम से जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा और एक ट्रिक भी बताऊँगा कि स्टैंड ऑन वेसल और गिव वे वेसल्स को कैसे पहचान सकते हैं हम। आप कभी भूलोगे नहीं। और हाँ, ये एग्ज़ाम में मत लिखना, बिकॉज इट्स जस्ट एन ट्रिक। सो ऑलवेज ऑन स्टारबोर्ड वी हैव ग्रीन लाइट, दोनों की ग्रीन लाइट बना दी। ओके, एंड ऑन पोर्ट साइड वी हैव रेड। आई एम ड्राइंग दिस फ्रॉम माई माउस। ओके, सो ड्राइंग का वो मत करो कंप्लेन। सो नॉर्मल, अभी जैसे ये वेसल वन है, ये वेसल टू है, ठीक है। अब आप बता सकते हो इसमें से कौन सी गिव वे, कौन सी स्टैंड ऑन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसका डेफिनेशंस रूल्स, तो आपको पता चल जाएगा। बट सपोज आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है, हमेशा हम रूल्स को रिवाइज करते रहते हो, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। बट सपोज हम भूल गए, कंफ्यूजन आ गया, तो जेन्यून सी चीज़ है। सपोज मैं फर्स्ट वेसल पे हूँ। ओके, सो वॉट आई सी इज़ अ रेड लाइट। रेड मीन्स डेंजर, दैट मीन्स आई हैव टू टर्न टूवर्ड्स दी स्टारबोर्ड अकॉर्डिंग टू दी कोल रेक्स एंड आई हैव टू पास थ्रू दी स्टर्न ऑफ दिस वेसल टू। दिस इज़ आर कोल रेक रूल। ओके, तो ये क्या हो गया, मैं हो गया गिव वे वेसल, क्योंकि मैं इसको जगह दे रहा हूँ जाने के लिए। गिव वे बोलता ही है कि आप उसको जाने के लिए रास्ता दे रहे हो। सो यू नेवर क्रॉस लाइक दिस, यू गो फ्रॉम दी स्टर्न ऑफ दी वेसल टू, बिकॉज यू सॉ दी रेड लाइट ऑफ दी वेसल टू। अगर सपोज मैं ये वेसल टू पे हूँ, सो वॉट आई सी इज अ ग्रीन लाइट, दैट मीन्स गो। नॉर्मल ट्रैफिक लाइट्स का कैसा होता है, ग्रीन लाइट मीन्स यू कैन प्रोसीड विथ योर वे, रेड लाइट मीन्स आपको उधर रुकना है जब तक वो ग्रीन ना हो जाए। सो सेम वे, रेड है तो यू हैव टू टर्न योर वेसल, टर्न योर कोर्स टूवर्ड्स दी स्टारबोर्ड एंड देन पास थ्रू दिस टर्न ऑफ दी वेसल टू। वाइल फॉर दी वेसल टू, इफ आई एम दी OOW एंड आई सी दिस ग्रीन लाइट, दैट मीन्स आई हैव टू कीप माई कोर्स एंड स्पीड सेम। ओके, वी आई हैव टू मेंटेन माई कोर्स एंड स्पीड, सो आई विल प्रोसीड विथ माई कोर्स एंड स्पीड। ओके, सो दिस इज द बेसिक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गिव वे वेसल एंड स्टैंड ऑन वेसल। जस्ट रिमेंबर दिस, दिस विल हेल्प यू टू नो विच वन इज विच। ओके, सो विच इज गिव वे वेसल एंड विच इज स्टैंड ऑन वेसल। सो बेसिकली वी ऑब्जर्व दैट कि इफ यू आर OOW ऑफ वेसल टू इन दिस पॉइंट, इट्स सेइंग दैट इन दिस पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट
It's saying that if a giveaway vessel is not taking the appropriate action, that means it's not turning its course towards the starboard, then you have the full liability to change your course. Okay, so rule number 2. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि आपको सारे रूल्स ओबे करने हैं, फिर आप कैप्टन क्यों ना रहो, शिप ओनर क्यों ना रहो या फिर क्रू क्यों ना रहो. बट पार्ट बी अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो उसमें दिया गया है कि अगर कोलिजन सिचुएशन क्रिएट होती है तो उससे बचने के लिए, मतलब टू प्रिवेंट दैट कोलिजन सिचुएशन, इन ओबे नहीं करोगे ये रूल को तो भी चलेगा, बट इट शुड बी एन एक्सप्लेनेटरी एक्शन. सो ये कैसे होएगा, ये एक्सपीरियंस के थ्रू होगा. सो दैट्स व्हाई वी कॉल अ मास्टर वेन एवर वी हैव एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि इतनी जल्दी इसको कोर्स को टर्न करना वो मास्टर का काम है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कितना स्पीड पे कितना हम लोग कोर्स हम लोग अल्टर कर सकते हैं. बेसिक चीज़ है मास्टर के लिए, उसने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैंडल किए इसके लिए. ओके, एंड जो दूसरे कंडीशन है उसमें भी मास्टर को बुलाना पड़ता है. सो दिस इज़ अ बेसिक एक्सप्लेनेशन एंड लर्न दिस, टेक अ लुक एट इट. ओके, गिव वे वेसल एंड स्टैंड ऑन वेसल. सो आई विल जस्ट इरेज इट नाउ. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट पॉइंट. ओके, इफ अनेबल टू मेंटेन द CPA, CPA मीन्स क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच, और TCPA दैट इज टाइम ऑफ क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच एज स्पेसिफाइड इन मास्टर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स. ओके, सो एवरी शिप हैज, एवरी कंपनी एंड एवरी शिप हैज देयर ओन CPA एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड CPA. ओके, सो देयर ओन CPA दैट इज most of them is common is 2 nautical miles. So it alters with ship to ship, vessel to vessel. So suppose if our vessel is going in this direction and the another vessel is passing through this direction and the distance between them is 15.5 nautical miles, then what to do? Okay, so this can be found by radar. This time I am saying radar, not rudder. Okay, radar. Okay, so this can be found out by radar, and as you can see, if our CPA is 2, our closest point approach is 1.5, then what to do now? So the best practice is call the master or the senior one, that is chief officer, and have a talk on VHF with the another vessel that our company policy and regulation means our company policy and regulations let us to maintain the 2 nautical mile CPA. Kindly please respond to it. Or you can say, just can we maintain a 2 nautical mile CPA? That's it. तो वो लोग mostly time पे तो वो vessel वाले ध्यान देते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 to 5 nautical miles पे लोग CPA लेके वो क्रॉस करते हैं, बट रेयरेस्ट ऑफ द टाइम 1.51 आता है. और अगर आप कैडेट हो, ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, बट इफ़ यू आर अ कैडेट और यू हैव जस्ट रिसेंटली प्रमोटेड एज अ थर्ड ऑफिसर, देन यू हैव टू कॉल द मास्टर or report it to the chief officer that this condition is going on. Okay, so same with the TCPA. So time of approach is changed or not lethic, then you can call the masters. Okay, so let's move to the next point. Okay, on failure to sight land a navigational mark or obtain surroundings by the expected time. Okay, so as I said, passage planning is done by our second officer and the captain. So agar un log ke expected time ke hisab se jaise 1500 hours pe, that
डेट इज़ 1500 आवर्स पे अगर आपको एक बॉय दिखना था और वो नहीं दिखा, या फिर आपको एक लाइट हाउस दिखनी थी वो नहीं दिखी, तो आप क्या करोगे? मास्टर को इन्फॉर्म करोगे जल्दी से, ओके? सेम वे अगर अचानक से दिख गया जो नहीं दिखना था, मतलब अभी हमारे पैसेज प्लानिंग के हिसाब से एट 1600 आवर्स डेट इज़ 1600 आवर्स पे आपको जो सी था वो एकदम क्लीन होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्लियर सी होना था, बट अचानक से आप एक रैक दिखते हो, रैक बॉय, तो अगेन यू हैव टू इन्फॉर्म द मास्टर दैट वी आर, आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग कोर्स, ओके? तो ये आपको जल्दी से इन्फॉर्म करना पड़ता है. सो फेलियर इफ अनएक्सपेक्टेड लैंडमार्क्स, ओके, दिस पॉइंट इज ऑल्सो बीन कवर्ड. इफ देर इज़ अ सडन चेंज इन द वेसल स्पीड, वेसल स्पीड चेंज कब होगी? जब आपका वेसल की एक कोर्स ये रहे, करेंट भी यही सेम डायरेक्शन में हो और विंड भी सेम डायरेक्शन में हो, तब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एकदम अचानक से. बट इन अनदर केस सिनेरियो चेंजेस, अगर कोर्स आपका ये ऊपर वाला है अप की तरफ, जैसे नॉर्थ की तरफ, बट आपका करंट साउथ की तरफ है और विंड भी साउथ की तरफ है, देन योर स्पीड स्लोज डाउन, ओके? सो ऐसे टाइम पे भी आपको मास्टर को इन्फॉर्म करना है, ओके? जैसे आपको 20 नॉटिकल माइल पर आवर की स्पीड रखनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू करंट एंड विंड आपकी वो स्पीड बढ़ के 23 नॉटिकल माइल्स हो जाती है, या फिर एकदम कम होके 15 नॉटिकल माइल्स पर आ जाती है, then you have to inform the master, and as a cadet, when you sail as a cadet, you have to first inform the chief officer because he is your in charge, okay? So let's see the next point as well. On the breakdown of engine, propulsion machinery, remote control, steering gear, or any essential navigation equipment, alarm or indicators. Okay, so breakdown of engines, natural, you can't do, you can't handle them and you can't go and repair them as well because you don't know much about your engine equipments also. So you have to inform the captain, call the captain and tell him that this parts are gone, this is engine is not working, and you have to tell them that there is a breakdown of the engine and please kindly see to it. So there is no much problem in this, but steering gear on any essential steering gears are helm all. So steering gears, most of the times there is no issue with them, but if there is, then you should call the master. And the last one is any essential navigational equipments. Oh yes, essential navigational equipment is at disk, AIS, okay, radar, any of these, or many are there, okay, any of this are being broken or found some defect or not working properly or not maintained properly. If not maintained, then you have to inform the any of the experienced guy on board, but if not working properly, then you have to immediately inform the master, okay? So next is alarm or indicator. Alarms are mostly attached to the cargo system. There is any problem, the alarm will raise. There is any problem in the cargo hold, then alarm will raise, and as soon as alarm raise, you have to inform the master that there is something wrong in the cargo hold, okay? And the another alarm is Banvas for the OOW. So there is only one way to check them. If your time is Banvas interruption time is around 6 to 8 minutes, then don't move for 6 to 8 minutes. And if it raises, then it's working properly, and if it doesn't, then it's not working properly. You have to change that too. Okay, so next point is our malfunctioning of the ship's navigational equipment, including GMDSS equipment. Oh,
GMDSS equipments are the most important equipments on board. So you have to always take care that they are in a working condition and they are in a good condition. Okay. So navigational equipments are mostly, as I said, radar is there, ARPA is there, and EDDISC is there, much more are there. So you have to take care that they are in a good condition. On receipt of any distress message or coast radio station contacts the vessel in connection with SAR activities, or vessel is distressed, is sighted, or any distress signals are sighted, including a SART signal on the X band radar. Okay, so if you receive any distress message, okay, या फिर आपको कोई coastal radio station से आपको कोई contact करने की कोशिश करता है, okay, with SAR activities आप पढ़ोगे second sem में, mostly second sem में ही होता है ये सब, और vessel distress signals आपको दिखता है, या फिर आप distress signals आपको दिखेगा अगर आप वो लोग अगर वो race करेंगे तो, नहीं तो आपको अगर कोई सिग्नल्स ऐसे आपके एक्सपेंड रेडार पे आए थी, एक्सपेंड रेडार्स पे सिग्नल्स रिसीव होते हैं, ओके, बाय SART, हाँ SART का सिग्नल आपको एक्सपेंड रेडार पे दिखता है. सो एक्सपेंड रेडार पे अगर आपको SART का सिग्नल दिख रहा है, देन यू हैव टू इमिडिएटली कॉल. ये सबसे ज़्यादा अर्जेंट मैसेज होता है, ओके, आई रिपीट, ये सबसे ज़्यादा अर्जेंट मैसेज होता है जो कैप्टन को बताना पड़ता है. सो यू हैव टू कॉल द कैप्टन, ओके, उनको आप जल्दी से बुलाओगे, मास्टर को बोलोगे कि हमें एक डिस्ट्रेस मैसेज आया है या फिर डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है थ्रू SART, और हमें या फिर हमें रेडियो स्टेशन से कॉन्टेक्ट किया गया है विथ SAR एक्टिविटीज़. So what to do, just come and handle it. So इसमें क्या होता है कि you have to save the vessel, okay, yeah, responsibility रहती है, you have to take the permission from your company and then save the vessel, okay. So next point is, if any doubt about the possibility of heavy weather damage. पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी वेदर डैमेज, नॉर्मल सी बात है, आप इन्फॉर्म करोगे, मोस्टली लोग चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करते, बट यू शुड इन्फॉर्म कैप्टन एज वेल, बट कैप्टन हर बात आपकी सुनता रहता है VHF के थ्रू. सो इन्फॉर्मिंग चीफ ऑफिसर इज सेम एज इन्फॉर्मिंग कैप्टन, और इन्फॉर्मिंग एनी वन, कॉलिंग एनी वन ऑन योर कम्युनिकेशन सिस्टम इज सेम एज नोइंग बाय दी, बिकॉज कैप्टन आपके हर एक बात पे ध्यान रखता है, वो हर एक बात सुनता है आपकी, आपकी हर एक कम्युनिकेशन सुनता है थ्रू VHF. तो अब जब भी अपना VHF से किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्म करते हो तो कैप्टन को भी वो इन्फॉर्म होता है, कैप्टन लुक्स इनटू इट, ओके. इफ देयर इज़ अ सडन चेंज इन द विंड डायरेक्शन और विंड फोर्स और सडन ड्रॉप इन द एटमोसफियर बैरोमेट्रिक प्रेशर, ओके, सो सडन चेंज ऑफ द विंड डायरेक्शन और विंड फोर्स, ये तीनों जो है, और बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होना एटमॉस्फेयर का, ये सिग्नल है कि आप TRS के पास हो, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स, ओके, आप स्टॉर्म के बहुत पास हो, और अगर ये आपने ऑब्जर्व किया है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली मास्टर को बुलाना है, इन्फॉर्म करना है कि एटमॉस्फेरिक ड्रॉप हुआ है और विंड डायरेक्शन और विंड फोर्स भी सडनली चेंज हुई है. बिकॉज सबसे बेकार एक्सपीरियंस एक सी फेरर के लिए एक स्ट्रॉम में फंसना होता है. यू नेवर नो कि आप बचोगे या मरोगे, सो बेटर टेक प्रिकॉशंस. सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ नेवल वेसल इन द विसिनिटी. अगर आप नेविगेट कर रहे हो और अचानक से आपको दो तीन नेवल वेसल दिख गई तो आपको मास्टर को बताना है कि वी हैव साइटेड ए नेवल वेसल, ओके, तो अभी आगे का आप उनसे कॉन्टेक्ट करो और हैंडल करो और आगे नेविगेट करो, यू हैव टू कॉल हिम. नेक्स्ट,
इफ एनी ऑयल इज नोटिस्ड इन द वाटर, अगर आप नेविगेट कर रहे हो डब्ल्यू, या फिर आपको किसी ने बोला, या फिर आपकी नज़र गई ब्रिज विंग पे जाने के बाद कि थोड़ा सा ऑयल आपको दिखा वाटर में, तो आपको जल्दी से मास्टर को बताना है, चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकाउंटर ऑफ एनी हजार्डियर एनकाउंटर ऑफ एनी हजार्ड्स टू नेविगेशन सच एज आइस और डेरिलिक्ट। ओके सो आइस, आइसबर्ग्स, सबको टाइटैनिक की स्टोरी तो पता है, तो उन लोगों ने बहुत लेट इन्फॉर्म किया था कैप्टन को, आपको थोड़ा टाइम पे करना है। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज इन द इवेंट ऑफ एनी इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड, कोई भी इमरजेंसी, मतलब आपका कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, या फिर कार्गो होल्ड का कोई सेंसर फेल हो गया, या फिर कोई सोलेनाइड वॉल्व फेल हो गया, कुछ भी इमरजेंसी में आपको कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। वेन एवर द ड्यूटी ऑफिसर एक्सपीरियंस एनी इवेंट और ऑकरेंस विच इज़ अनयूजुअल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ड्यूटी ऑफिसर इज़ ओ डब्ल्यू नॉर्मल थिंग, एनी इवेंट और ऑकरेंस विच इज़ अनयूजुअल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब आपकी जो रीडिंग्स है वो चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसी चेंजेस हो गई तो आपको जल्दी से इन्फॉर्म करना है, या फिर कार्गो होल्ड का प्रेशर चेंज दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर आ गया, तो यू हैव टू इमिडिएटली इन्फॉर्म द कैप्टन। ओके सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक नोट्स विच आई मेड फॉर माई सेल्फ वाइल आई यूज टू स्टडी द DNS। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच वी शुड कॉल द मास्टर्स, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड एज वेल एज यू कैन ट्रेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वीडियो। आई विल जस्ट ट्राई टू कवर दिस इन वन फ्रेम। ओके सो दिस इज इन वन फ्रेम, यू कैन टेक अ स्निप बाय स्निपिंग टूल इफ यू हैव विंडोज, और टेक अ स्क्रीन शॉट एंड क्रॉप इट लेटर ऑन। ओके सो दिस आर द नोट्स फॉर कॉलिंग द मास्टर्स। Hope you have subscribed to my channel for more such videos. Thank you.